नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित करकरे और बैच फॉर थेरेपी विद डॉक्टर अमित। इस सीरीज में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट वाइडली आस्क क्वेश्चन एंड दिस इज द मोस्ट वांटेड क्वेश्चन दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वांट मी टू आंसर। जब भी मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन कि कैन यू टॉक अबाउट फिजिकल कंप्लेंट्स एंड हाउ टू डील विद फिजिकल कंप्लेंट्स विद बैचलर रेमेडीज। जो मुझे ईमेल्स आते हैं, जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी, वो भी इसी प्रकार के आते हैं कई बार कि हाइपरटेंशन के लिए कौन सी दवाई देनी है, डायबिटीज़ के लिए कौन सी दवाई देनी है, माइग्रेन के लिए कौन सी दवाई देनी है या फिर आईबीएस के लिए कौन सी दवाई देनी है। सो वी ऑलवेज हैव वेरियस इलनेसेस दैट वी वॉन्ट टू सीक मेडिसिन्स फॉर। मोस्ट ऑफ द इलनेसेस आर फिजिकल कंप्लेंट्स दैट वी वॉन्ट टू बी सॉल्व विथ बैचलर रेमेडीज। सो मुझे लगा कि हर बार मैं कुछ ना कुछ तो आंसर देते रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक वीडियो ही कर दूँ इस पर, ताकि भावना जी जो है उनके जैसे जो दर्शक है हमारे और जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिन जो काफ़ी बार पूछते रहता है कि फिजिकल कंप्लेंट्स पे क्या आप बोलने वाले हैं, तो उनको एक बार मेरा जो पर्सपेक्टिव है देखने का या फिर मेरा जो हाउ आई डील विथ फिजिकल कंप्लेंट्स विथ बैचलर रेमेडीज, मुझे लगा कि एक बार वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ, शेयर करूँ आपके साथ। सो बिफोर आई टॉक अबाउट वॉट आई डू, आई डोंट डू एनी थिंग एल्स बट आई डू वॉट एवर डॉक्टर बैच हैज़ टोल्ड अस। सो डॉक्टर बैच को अगर हम फॉलो करें तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि जिन्होंने ये सब हमें दिया है, उनका जो मन था, उनकी जो उनको जो हेतु था, उनके जो इंटेंशंस थे, उनका जो तरीका था और उनको जो लगता था कि किस प्रकार से इस इन रेमेडीज को, इस थेरेपी को प्रैक्टिस करें, इफ़ यू फॉलो दैट थिंग देन आई थिंक इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस ऑफ बैचलर रेमेडीज। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल हु प्रैक्टिस फ्लावर रेमेडीज इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। जैसे किसी ने मुझे पूछा था, मुझे अनुभव नहीं है, मैं किसी को बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं करता या फिर आई डोंट जज एनी बडी और एनी बडीज प्रैक्टिस, लेकिन किसी ने मुझे पूछा था कि कौन सी रेमेडी अगर मैं मेरे पॉकेट में रखूँ तो पैसा आएगा, तो मुझे नहीं समझ आया कि ऐसे कैसे मैं इनको आंसर करूँ, क्योंकि मुझे लॉजिक उसके पीछे कुछ समझ नहीं आया कि कौन सी रेमेडी की बॉटल अगर मैं मेरे पॉकेट में रखूँ। वैसे तो फिर होम्योपैथिक फार्मेसी के पॉकेट में तो सभी रेमेडीज रहते हैं, तो उनको तो काफ़ी पैसा मिलना चाहिए वैसा। सो मुझे लगा कि इस प्रकार का कुछ अनुभव मुझे नहीं है कि कौन सी रेमेडी लेने के बाद पैसा आएगा, कौन सी रेमेडी लेने के बाद अच्छा जमाई मिलेगा, कौन सी रेमेडी लेने के बाद बच्ची को एडमिशन मिलेगी, मैं कुछ रेमेडी लूँ और मेरी बच्ची को एडमिशन मिले। सो आई डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिस ऑन दैट लेवल। शायद मेरा लेवल थोड़ा सा कम है अब तक, सो अब तक वो अनुभव नहीं है मुझे। लेकिन फिजिकल कंप्लेंट्स कैसे डील करने हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये जो मैं बताने वाला हूँ ये बेस्ड है डॉक्टर बैच ने जो 24th of September जो उनका बर्थडे भी था, तब जो उन्होंने लेक्चर दिया था मैसोनिक हॉल में, वेलिंगफोर्ड में, जिस लेक्चर में उन्होंने बैचलर रेमेडी को दुनिया के सामने रखा और कहा कि ये पूरी की पूरी थेरेपी है, ये पूरे के पूरे रेमेडीज है, इन आप सब इनको इस्तेमाल कीजिए इनका, और अपना अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन काफ़ी सफल और सुंदर बनाइए। तो ये जो उनका प्राइमरी लेक्चर था, जिस लेक्चर में उन्होंने बैचलर रेमेडी इंट्रोड्यूस की दुनिया के लिए, वो लेक्चर का जो पीडीएफ है, वो जो स्क्रिप्ट है, उसका मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ आपको दिस ये करने के लिए। यू कैन सर्च फॉर दीज लेक्चर्स पीडीएफ। आई विल गिव यू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको बैच सेंटर की वेबसाइट का भी मैं आपको लिंक देता हूँ, जहाँ से आप ये सब पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं।
सो प्लीज डाउनलोड दिस पीडीएफ्स एंड रीड दोज, बिकॉज फिलोसॉफी अगर आप सीखे समझे तो कोई भी थेरेपी प्रैक्टिस करने में ज्यादा आसानी हो जाती है. सो व्हाट इज डिसीज? डिसीज का मतलब ये नहीं है, ये WHO जो है अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी डिसीज का डेफिनेशन अभी काफी अच्छी तरीके से दिया है. इट्स नॉट मियर एब्सेंस ऑफ इलनेस और सिम्टम्स, बट इट्स सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ऐसे WHO भी बोलता है. लेकिन WHO ने कहने से काफ़ी साल पहले होम्योपैथी में डॉक्टर हैनीमैन ने और फिर डॉक्टर एडवर्ड बैच, ये दोनों ने कहा था कि सिर्फ आपको कोई सिम्टम्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो. मैंने आज तक एक भी गोली नहीं ली, मेरा एक बार भी BP ऊपर नहीं गया, नीचे नहीं गया, मुझे एक बार भी हेडेक नहीं हुआ है, आज तक मुझे एक भी तकलीफ नहीं हुई है, एक भी डिसीज नहीं हुआ है, बिल्कुल मैं हेल्दी सिम्टम्स हूँ. कभी मुझे, मैं 70 साल का हूँ और मुझे एक बार भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. पीपल डू बोस्ट अबाउट ऑल दिस थिंग्स. WHO, डॉक्टर बैच एंड डॉक्टर हैनीमैन, दे ऑल से दैट इट्स नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स, बट यू शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली यू शुड हैव अ वेलबींग. सो फिजिकल वेलबींग तो आप बोल रहे हो कि आपको सिम्टम्स नहीं है, लेकिन मेंटली इफ़ यू आर बोस्टिंग अबाउट इट देन आर यू रियली हेल्दी. सोशली कई बार ऐसा होता है कि ये जो सब हेल्थ उन्होंने मेंटेन करते हैं उसके लिए वो रोज़ 7 बजे पानी पीते हैं, 10 बजे वॉकिंग के लिए निकलते हैं, और उसका घर के और लोग और जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी तकलीफ होती है कि ये इनका टाइम टेबल, इनका रूटीन, इनका जो हेल्थ के लिए जो ये सब चीज़ें लेते हैं वो उनको देने के लिए. कई बार मैंने देखा है आजकल के यंग पीपल, दे डू डाइट्स और फिर वो उनको बोला जाता है कि स्मूदी पियो सुबह, देन शाम को 4 अलग अलग फ्रूट्स काट के उसमें अलाना फलाना ये डाल के वो खाइए आप, शाम को सूप पीजिए, देन दे टेल देयर मदर्स कि ये सब मुझे चाहिए. सो कब सब सुबह में जब 8 बजे मेरी आँख खुल जाए तो आई नीड ए स्मूदी, हाँ तैयार, कि मैं दांत ब्रश करके या फिर उससे भी पहले वो बिल्कुल सुबह आँख खुलने के बाद मुझे पहले स्मूदी पीना है, फिर रात को ये 4 फल आप लाइए वो काट के रखिए, जब भी मैं ऑफिस से आऊँ तो मुझे वो फल चाहिए. नाउ फॉर योर हेल्थ यू आर मेकिंग योर मदर अ स्लेव, यू आर मेकिंग योर मदर टू लिटरली और उनकी कठिनाइयाँ और उनका काम आप बढ़ा रहे हैं, देन आर यू रियली हेल्दी? यही यही है कि वॉट इज डिस ईज, इट्स वेन यू आर नॉट एट ईज और वेन यू डोंट कीप पीपल एट ईज, दैट्स डिसीज. इज इट अ डायग्नोसिस? इट कैन बी, बट इट्स नॉट ओनली द डायग्नोसिस. इज इट द सिम्टम्स? इट कैन बी, बट इट इज नॉट ओनली द सिम्टम्स. इट इज द डिस्कम्फर्ट एंड इट ऑल्सो कैन बी द इम्पैक्ट ऑन डे टू डे लाइफ. अगर मैं जैसे रॉक वाटर लोग रहते हैं हमारे, कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं उनके रूटीन के बारे में, उनके दिनचर्या के बारे में, उनके जो उनका जो हैबिट्स है उसके बारे में, और इतने स्ट्रांग रहते हैं कि अगर उनमें कोई यहाँ वहाँ हो गया तो वो उनको भी डिफ़िकल्टी लगती है, लोगों को भी डिफ़िकल्टी लगती है. सो दैट कैन इम्पैक्ट देयर डे टू डे लाइफ, एंड आई थिंक इफ इट इज़ इम्पैक्टिंग देयर डे टू डे लाइफ देन दे आर नॉट हेल्दी, दे स्टिल हैव दैट डिस ईज. सो इट इज़ नॉट द डिसीज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. डायबिटीज़ के लिए कौन सी दवाई है, हाइपरटेंशन के लिए कौन सी दवाई है, माइग्रेन के लिए कौन सी दवाई है, IBS के लिए कौन सी दवाई है, मेरे घुटनों में दर्द है उसके लिए कौन सी दवाई है. सो इट्स नॉट द डायग्नोसिस, इट्स नॉट द डिसीज दैट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द पेशेंट. दिस इज ऑल हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर बैच, इज ऑल बाय इज बीन सेड बाय डॉक्टर बैच इन वैलिंगफोर्ड लेक्चर जो उन्होंने 24 सितंबर को दिया था 1936. सो इट इज़ द पेशेंट हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, द वे इन विच ही और शी इज अफेक्टेड विच विल बी योर ट्रू गाइड टू हीलिंग. इसका मतलब क्या है, वो आगे बताता है कि माइंड इज द मोस्ट डेलिकेट एंड सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर सेल्स. माइंड सबसे सेंसिटिव पार्ट है, सबसे डेलिकेट पार्ट है, तो जो भी अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होगा शरीर में, फिजिकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी, तो पहले वो माइंड पे रिफ्लेक्ट होगा. अगर आप एज अ फिजिशियन उतने सेंसिटिव है कि आप सामने वाले आदमी का, आपका जो पेशेंट है, आपके जो घर के रिलेटिव्स है, उनका ये जो सटल इमोशनल डिस्टर्बेंस है ये अगर आप पकड़ पाए,
तो आप उनको डिसीज होने से पहले भी दवाई दे सकते हैं, और यू एक्चुअली कैन प्रिवेंट अ डिसीज, यू एक्चुअली कैन प्रिवेंट अ एन इलनेस टू सेटल इन अ पर्टिकुलर पेशेंट, इफ़ यू कैन सेंस, इफ़ यू कैन कैच दीज सिम्टम्स और दीज डिस्टर्बेंसेस और सटल फीचर्स काफ़ी अर्ली. सो माइंड विल बी द फर्स्ट टू शो द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज बींग सो सेंसिटिव एंड विल बी मच बेटर गाइड टू अस इन द इलनेस दैन डिपेंडिंग ऑन द बॉडी. आपने देखा रहेगा कि काफ़ी सारे इलनेसेस के सिम्टम्स काफ़ी कॉमन रहते हैं. अगर आपने 100 पेशेंट्स लिए किसी एक ही इसके, तो कई बार वो एक ही सिम्टम आपको बता देंगे, लेकिन माइंड जो है वो अलग अलग सिम्टम बता देगा, क्योंकि हर एक का माइंड अलग है, हर एक की अपब्रिंगिंग अलग है, हर एक का मेंटल टेम्परामेंट अलग है. वाई वी आर डूइंग बैच फ्लावर रेमेडी, वाई नॉट बैच लीफ थेरेपी, वाई नॉट बैच शूट्स थेरेपी, वाई नॉट बैच रूट्स थेरेपी. तो ये रूट्स क्यों नहीं लिए, ये शूट्स ब्रांचेस क्यों नहीं लिए, ये लीव्स क्यों नहीं लिए, फ्लावर्स से क्यों लिए? बिकॉज फ्लावर्स आर द मोस्ट डेलिकेट एंड सटल प्रोडक्ट्स ऑफ अ प्लांट. किसी भी प्लांट के सबसे डेलिकेट और सबसे सटल प्रोडक्ट जो है वो फ्लावर्स है. वो फ्रूट्स भी नहीं है, लीव्स भी नहीं है, रूट्स तो बिल्कुल नहीं है. तो जो माइंड है उसके उस पर अगर काम करना है तो उसके जैसा ही सटल डेलिकेट कुछ चीज़ रहनी चाहिए जिसपे आपके माइंड को आप रिलीव कर सके, जिसको आप माइंड को हील कर सकते हो. इसलिए फ्लावर्स का यूज़ किया है डॉक्टर बैच ने. सो माइंड इज विल बी विल शो यू द सिम्टम्स. फिर कैसा है वो? सो चेंजेस इन द माइंड विल गाइड अस क्लियरली टू द रेमेडी दैट वी नीड, सिंस सेम इलनेस मे टेक अस क्वाइट डिफरेंटली. इट इज़ द वे वी आर अफेक्टेड इज द मोस्ट सेंसिटिव गाइड as to know what remedies that the patient needs. कोई भी आपको जब physical ailment होता है, so this is the actual answer to the question कि सर physical चीज़ों पर आप बोलिए. कोई भी आप disease ले लीजिए, आप hypertension ले लीजिए, blood pressure, आप diabetes ले लीजिए, आप migraine ले लीजिए, आप IBS ले लीजिए, उस disease होने के लिए अगर कुछ emotional कारण हुआ है, if there is any emotional trigger which has made that disease to get settled in your body, so that will be our key to prescribe batch flower remedies for that particular illness. It's not the remedy for the disease, but it's the remedy for the disease in that particular individual. Mere IBS ke liye alag dawai lagegi, shayad mera friend hai usko agar IBS hai to uske liye alag dawai lagegi, kyunki अगर मेरे इसमें मेरा IBS शुरू हुआ है मेरे कंपनी में, जो मेरे पीयर ग्रुप के साथ या मेरे कलीग्स के साथ, मेरे बॉस के साथ जो मेरी अनबन होती रहती है, उसका जो गुस्सा है वो अगर अंदर 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 रखने के बाद उसकी वजह से मुझे अगर IBS हुआ है या फिर माइग्रेन हुआ है या फिर उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ के डायबिटीज़ हुआ है, तो आई विल नीड विलो. लेकिन किसी को काफ़ी डोमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, सब लोग डोमिनेट कर रहे हैं और वो बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं, तो सेंटोरी विल बी द रेमेडी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन्स IBS और हाइपरटेंशन और डायबिटीज और माइग्रेन. तो क्यों हुआ है ये बताएगा आपको कि कौन सी रेमेडी देनी है, डिसीज कौन सा भी हो. फिर आपको कौन कौन से फीलिंग्स आते हैं आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ द इलनेस. जैसे अगर किसी को डायबिटीज हो गया और उनको लगता है कि यार ये सब खत्म हो गया, अभी जिंदगी की खुशी खत्म हो गई, तो दैट्स कैन बी गॉर्स, दैट कैन बी जेंशन. डायबिटीज़ होने के बाद, ये मैंने कहा था एक किसी वीडियो में, मैंने ये बताया था, डायबिटीज़ होने के बाद अगर मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया अपने अपने लिए, ज़िंदगी के लिए, सबके डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये लाइफ स्टाइल इलनेस है तो आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो मैं इतने मॉडिफिकेशन कर दिया लाइफ स्टाइल में कि मैं बिल्कुल रिजिड हो गया, तो मुझे रॉक वाटर लगेगा. कई लोग आपने देखे हैं कि जिनको डायबिटीज़ रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है या फिर अलाना फलाना काफ़ी सारे इलनेसेस रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मस्त मौला रहता है, वो किसी को भी नहीं सुनते, उनको समझ में नहीं आता सीरियसनेस कि अभी ये कहाँ जा सकता है. दे विल नॉट डू एनी डाइट रिस्ट्रिक्शन, दे विल नॉट डू एनी एक्सरसाइजेस, इनको तो चेस्टनट बर देना पड़ेगा. सो क्यों हो रहा है डिसीज, ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है. डिसीज के होने के बाद उसके बारे में आपके मन में क्या विचार आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, ये एक विचार है. And how you deal with that disease in your own manner will be the third criteria or third way to come to specific remedies for that particular illness in you specifically.
सो वो इलनेस को आप में, आप वो इलनेस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, हाउ आर यू रिएक्टिंग टू द इलनेस, व्हाई द इलनेस हैज ऑकर्ड इन यू, व्हाट आर द थॉट्स एंड द फीलिंग्स दैट हैव बीन जनरेटेड बिकॉज ऑफ द इलनेस इन यू, एंड देन हाउ इज योर ओवरऑल मेंटल स्टेट, व्हाट आर द प्रीडोमिनेंट मेंटल फीलिंग्स एंड थॉट्स फीलिंग्स अबाउट द इलनेस, दैट विल डिसाइड इज देर एनी चेंज इन योर टेम्परामेंट आफ्टर द इलनेस हैज सेट इन। कैंसर होने के बाद लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोग एंशियस हो जाते हैं, लोग अचानक रेड चेस्टनट हो जाते हैं कि उनको बाकी जो फैमिली मेम्बर्स है उनकी चिंता रहती है। सो ये अगर चीज़ है तो इसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, ना कि डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ बोलिए। अरे बॉस आपका डायबिटीज़ है उसके लिए मैं दवाई बोल सकता हूँ अगर आपने सिम्टम मुझे दे दिए तो। सो हाउ अ पेशेंट इज बीइंग अफेक्टेड बाय द इलनेस, इज देयर एनी डिप्रेशन, तो दवाई अलग रहेगी। इफ देयर इज एनी होपलेसनेस ऑफ गेटिंग वेल, दवाई अलग रहेगी। इफ देयर इज अ फियर ऑफ बिकमिंग वर्स विद द डिसीज, दवाई अलग रहेगी। इफ देयर इज इरिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ द इलनेस, दवाई अलग रहेगी। इफ देयर इज वॉन्टिंग ऑफ कंपेनियनशिप व्हेन यू आर सिक, दवाई अलग रहेगी। इफ देयर इज डिजायर टू बी क्वाइट, मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तो दवाई अलग रहेगी। एक्सट्रीम वरी अबाउट लव्ड वंस, तो दवाई अलग रहेगी। सो वो जो डिसीज है वो आपके मन में कौन कौन से भावनाएं, कौन कौन से विचार आप में वो उत्पन्न कर रहा है, वो अगर आपने उसके बारे में सोचा तो अलग अलग दवाइयाँ रहेगी। सो इफ यू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू प्रिस्क्राइब रेमेडीज फॉर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट। सो फिजिकल एलिमेंट वो जो बॉडी के सिम्टम्स है उसका इतना ताल्लुक नहीं रहेगा बैश फॉर रेमेडीज देने के लिए, लेकिन वॉट काइंड ऑफ इमोशनल कॉज, इमोशनल इफेक्ट द इलनेस हैज कॉज्ड, दैट विल बी द की। सो इलनेस इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अवर पर्सनैलिटी एंड द सोल। मैंने आई होप आप सब ने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन किया है, अगर नहीं किया है तो जस्ट सर्च फॉर बैश फ्लावर्स विद डॉक्टर अमित ऑन टेलीग्राम, एंड ये जो लोगो है, ये जो लोगो आपको दिख रहा है, ये लोगो आपको उस टेलीग्राम के डीपी में दिखेगा। डू जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि सैटरडे आफ्टरनून्स को मैं मोस्टली यूट्यूब लाइव सेशंस अभी शुरू करने वाला हूँ, या फिर जूम सेशंस रहेंगे या फिर गूगल मीट के सेशंस रहेंगे, तो उसका जो लिंक रहेगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। सो जो टॉपिक रहेगा, लिंक, उसकी लिंक और उस टॉपिक के बारे में एक दिन पहले शुक्रवार को आई विल पोस्ट इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, और फिर ऑन सैटरडे वी विल हैव द लाइव सेशन जहाँ पे आप यू कैन डायरेक्टली आस्क मी क्वेश्चंस ड्यूरिंग द सेशन। उसका रिकॉर्डिंग होगा, वो रिकॉर्डिंग हम बाद में वी विल पोस्ट इट ऑन अपना यूट्यूब चैनल, लेकिन आपको अगर बात करनी है डायरेक्टली मेरे साथ तो डू जॉइन टेलीग्राम चैनल, क्योंकि उस पर लिंक आएगा हमारे जूम मीटिंग का जो सैटरडे आफ्टरनून को आई एम थिंकिंग ऑफ प्लानिंग। तो वहीं पे मैंने यही भी डाला था कि ये एक कोट मुझे मिला था डॉक्टर बैच का कि इलनेस इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आवर पर्सनैलिटी एंड द सोल, सो इट इज सर्टन दैट इट इज इंक्रीज हार्मनी बिटवीन द ग्रेटर सेल्फ विद इन एंड द बॉडी विदाउट विच हैज अफेक्टेड द क्योर। सो जितनी हार्मनी अपना जो भवताल है आपके आजू बाजू में, वो आप, आपका मन, आपका सोल और आपकी बॉडी, इस सब में जब अगर हार्मनी रही तो ही क्योर पॉसिबल है। अगर वो हार्मनी नहीं रही तो आपको सिम्टम्स नहीं भी रहेंगे तो भी आप पूरे के पूरे हेल्दी आप है ऐसे कहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ सर्टन अ सीरीज ऑन द फिलोसॉफिकल लेक्चर्स ऑन बैच फॉर रेमेडीज। डॉक्टर बैच के जो बुक्स है हील दाई सेल्फ, उस पर बात होगी, डिसीज का मतलब क्या है, हीलिंग का मतलब क्या है, हेल्थ का मतलब क्या है, जो डॉक्टर बैच ने काफ़ी अच्छी तरीके से, आसान तरीके से हमें सिखाया है, उस पर भी बात होगी, क्योंकि अनलेस अनटिल यू अंडरस्टैंड दैट यू वोंट बी एबल टू प्रैक्टिस फ्लावर रेमेडीज इफेक्टिवली कम्प्लीटली। सो वील स्टार्ट विद दिस कोट, इलनेस इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आवर पर्सनैलिटी एंड द सोल। तो ये क्यों डॉक्टर बैच ने ऐसे कहा है, इसका मतलब क्या है, ये जानने के लिए वी विल बी कमिंग अप विथ द फोर सेशंस फ्रॉम नेक्स्ट वीक। व्हाट इज डिसीज, इज इट आवर एनिमी, व्हाट इज डिसीज, व्हाट कॉजेस अ डिसीज,
वॉट इज डिसीज, हाउ कैन वी हील अ डिसीज, और हाउ वी कैन हील अवर सेल्व्स, वॉट इज द सेल्फ डिस्कवरी दैट वी कैन अचीव इफ वी टेक केयर ऑफ द डिसीज दैट इज बीन प्रेजेंटेड टू अस. सो स्टे ट्यून्ड. टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि उस पर लिंक आएगा हमारे लाइव सेशंस का जो जूम पे रहेंगे, और वो 40 मिनट्स में वी विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम्स एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. और फिर बार बार हम हर रेगुलरली हम वी विल बी डूइंग द जूम सेशंस नाउ, और उसका रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिलेगा. लेकिन अगर लाइव आपको सवाल पूछना है तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट medium. So do join our Telegram channel, do subscribe to our channel to get regular videos on health, homeopathy and bachelor remedies. And till the time we meet next with our videos as well as the live sessions, take care of yourself, join our Telegram channel and subscribe to our YouTube channel. Thank you.